बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में टेक्स्ट 2A डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात की कटाई। इसकी जो इसका जो एंटोनिम है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल बनाना, ठीक है, और डीफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई, ठीक है। ये दोनों एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अच्छा, रीडिंग पे आते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव फॉरेस्ट्स एंड वुड्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की मीनिंग है तबाह करना, नेटिव की मीनिंग है मकामी भी इसको कहते हैं, ठीक है, नेटिव मकामी, और इसकी मीनिंग है एक कुदरती भी है। तो यहाँ पे हम इसकी जो कंटेक्सचुअल मीनिंग लेंगे तो इसका हम लेंगे कुदरती जंगलात, ठीक है। तो जंगलात की कटाई तवील मुद्दती बुनियाद पर कुदरती जंगलात और दरख्तों की तबाही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉरेस्ट अगर देखें, फॉरेस्ट कहते हैं जो घने जंगलात होते हैं या बड़े पैमाने पे जो जंगलात होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। और वुड्स जो है, जो वुड की जमा है, वुड लकड़ी को बोलते हैं, लेकिन इसके साथ जब हम एस लगाते हैं वुड्स बनता है, और वुड्स का मतलब है जो छोटे जंगलात होते हैं, जो ज़्यादा घने नहीं होते और छोटे सतह पर होते हैं, छोटे रकबे पर वो फैले हुए होते हैं, उसको हम वुड्स बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब है जो तवील मुद्दती बुनियाद पर, ठीक है। इट इज़ ए वेरी सिवियर प्रॉब्लम विद सेवरल कंसिक्वेंसेज फॉर द इकोसिस्टम। कहते हैं ये माहौलियाती निज़ाम के लिए कई नतायज के साथ एक संगीन मसला है। इकोसिस्टम का मतलब है माहौलियाती निज़ाम। जब हम एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में जो मौजूद ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम बोलते हैं, जो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन ह्यूमंस कट ट्रीज फॉर देयर ओन नीड्स। ये उस वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए दरख्तों को काटता है या साफ करता है। कट का मतलब है काटना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी कट 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 है, ठीक है। इवन इफ इट इज टू मीट ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बिकॉज इट पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एनवायरमेंट्स बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं कि हत्ता कि अगर ये इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए है जो हम काटते हैं दरख्तों को, वो इंसान अपनी जरूरियात के लिए काटता है, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी ये जायज़ को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज क्योंकि इट पोजेज, ये पेश करता है ए सिग्निफिकेंट थ्रेट, एक अहम ख़तरा टू द एनवायरनमेंट्स बायोडाइवर्सिटी, जो माहौलियाती तनोव है उसके लिए एक अहम ख़तरा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब ज़मीन पर जितने भी एनवायरनमेंट में हमारे इकोसिस्टम में जितने अकसाम के भी जानवर है या पौधे हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकल टू द इकोसिस्टम्स ओवरऑल हेल्थ। कहते हैं कि हयातियाती तनो, जो बायोडाइवर्सिटी है, माहौलियाती निज़ाम की मजमूई सेहत के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग ग्लोबल इकोसिस्टम्स। जो आलमी माहौलियाती निज़ाम को बरकरार और महफूज रखने के लिए जंगलात ज़रूरी हैं, ठीक है। सो वी मस्ट सेफ गार्ड देम, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैनी लिविंग स्पीशीज रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। कहते हैं कि जो ये इंसानों, बहुत से जानदार नस्लें अपनी बका के लिए जंगलात पर इन्हिसार करती है। रिलाई का मतलब है इन्हिसार करना, ठीक है। लिविंग स्पीशीज, जानदारों की जो मुख्तलिफ नस्लें हैं, स्पीशीज नस्लों को बोलते हैं, ठीक है, उनका इन्हिसार जंगलात पर होता है, ठीक है। दे प्रोवाइड ह्यूमंस विद ए वाइड रेंज ऑफ गिफ्ट्स दैट इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये इंसानों को नियामतों या तहाइफ की वसी इहाता फराहम करती है जो हमारी मायारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, फ्राम द एटमॉस्फेयर एंड जनरेट ऑक्सीजन। ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या देते हैं। ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड, जो जहरीली गैसें हैं वो लेते हैं, वो जज़ब करते हैं और जो माहौल को साफ
ऑक्सीजन जो इंसान को जरूरत होती है वो देते हैं, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग क्रिएचर्स, जिनको लिविंग क्रिएचर जानदार को जिनकी जरूरत होती है, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना आल्सो अकाउंट फॉर डिफॉरेस्टेशन, कुदरती मज़ाहिर, फिनोमेना फिनोमिनन की जमा है, फिनोमिनन phenomenon फिनोमिनन मजहर, और फिनोमिना ये प्लूरल है फिनोमिनन की, और ये इसको कहते हैं मज़ाहिर को। नेचुरल मज़ाहिर कुदरती मज़ाहिर भी जंगलात की कटाई का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात जिस अब तक जितना हमने रीड किया है तो हमने कहा कि इंसान जब कटाई करते हैं जंगलात की, लेकिन जब बाज़ ऐसी कुदरती वो है जो फिनोमिना है मज़ाहिर है जो जंगलात की कटाई का बायस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस फॉर एग्जांपल कैन बर्न अवे द वुडेड लैंड सराउंडिंग द वोल्केनो, कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आतिशपशा फटना, वोल्केनिक इरप्शन आतिशपशा के फटने को बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक आतिशपशा फटना आतिशपशा के इर्द गिर्द जंगलाती ज़मीनों को जला सकता है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन जो पड़ता है आतिशपशा उसको बोलते हैं, और वोल्केनो जो है वो आतिशपशा को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो ज़मीनों को अपने आसपास जो वो आतिशपशा में जो लावा निकलता है तो वो फैलता है, जब वो फैलता है तो आसपास के जो जंगलात होते हैं, जो दरख्तें होती है, जो ज़मीनें होती है, उनको जला देती है, ठीक है। अच्छा, अदर नेचुरल डिफॉरेस्टेशन एग्जांपल्स इंक्लूड सम अदर नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर स्टॉर्म्स, फ्लड्स, अटैक ऑफ पैरासाइट्स ऑन ट्रीज एंड लाइटनिंग एक्सेट्रा। जंगलात की कटाई की दीगर कुदरती मिसालों में जंगलात की कटाई के कुछ दीगर कुदरती मज़ाहिर तूफान, जैसे तूफान स्टॉर्म सैलाब, ठीक है, फ्लड्स, दरख्तों पर जीवों का हमला जो मुख्तलिफ होते हैं पैरासाइट्स होते हैं लोकस्ट वगैरह जो होते हैं उनका हमला, और बिजली गिरना वगैरह शामिल है, लाइटनिंग जो बिजली गिरती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी वजूहत बन सकती है डिफॉरेस्टेशन की, कुदरती है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कैटल ग्रेजिंग आर टू ऑफ द प्राइमरी काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ज़रात और मवेशी चराना जंगलात की कटाई की दो बुनियादी वजूहत हैं, ठीक है। कैटल ग्रेजिंग जो है वो मवेशी चराने को कहते हैं, ग्रेजिंग चराना, ठीक है, कैटल मवेशियाँ, और ये जो है ना ये, और एग्रीकल्चर जो हम वो करते हैं फसलें वगैरह ज़रात करते हैं, तो फसलों के लिए ज़मीन बनाने के लिए बाज़ औक़ात लोग जो जंगलात है उसको काटते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सॉरी, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड फॉरेस्ट एरिया इज रेगुलरली एंड कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड विच कैन इन टर्न बी लिंक्ड टू ओवर पॉपुलेशन, कहते हैं कि खुराक की मुसलसल बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जंगलात के रकबे को बाकायदगी से ज़री ज़मीन में तब्दील किया जाता है जो बाद में ज़्यादा आबादी से मुंसलिक हो सकता है। कहते हैं कि जब खुराक की तलब या उसकी डिमांड जब बढ़ती है, ठीक है ना, तो फिर जो लोग क्या करते हैं, जो जंगलात का रकबा होता है, जो वो ज़मीन जिस पे जंगलात होते हैं, तो उसको जो है ना फिर वो ज़री ज़मीन में तब्दील करते हैं ज़रात के लिए, गंदम और दीगर अनाज उगाने के लिए। तो ये किस वजह से होता है, तो ये आबादी के ज़्यादा होने से ये बढ़ता है, लेकिन जितनी आबादी ज़्यादा होती है तो अनाज का डिमांड भी ज़्यादा होता है, जब अनाज का डिमांड ज़्यादा होता है तो फिर लोग जंगलात को काटते हैं और ज़री ज़मीन फिर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, पाम ऑयल, लंबर, सोए एंड केटल आर द फोर की कमोडिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, कहते हैं कि पाम ऑयल, मकड़ी, सोया और पाम ऑयल, लंबर, सोया, सोए और मवेशी एंड केटल, ये चार जो है ये गर्म इलाकों या मंतिका हारा ट्रॉपिकल रीजन मंतिका हारा जो गर्म इलाके होते हैं उनमें जंगलात की कटाई के ज़िम्मेदार चार अहम असबाब हैं, ठीक है। ये चार असबाब जो हैं ये मेन जो है वो वजूहत हैं जंगलात की कटाई के लिए ट्रॉपिकल एरियाज में। अच्छा, अनदर मेजर ड्राइवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड फॉर लाइव स्टॉक, जंगलात की कटाई का और बड़ा मुहर्रिक या वजह मवेशियों की चराहगाह की तख्लीक है, ठीक है।
जो मवेशियाँ जहाँ पे चरती हैं तो वहाँ पे फिर पौधे और दरख्ते फिर नहीं उगती, ठीक है। तो जहाँ पर चरागाहें बनती है तो वहाँ से फिर जंगल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक्स बाई एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि जी तारीफ के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान फजाई कार्बन डाइऑक्साइड को जजब करके जंगलात कार्बन सिंक का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एज ए रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जंगलात की कटाई बराह रास्त ग्रीन हाउस असर और नतीजे के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा डालती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो गैसेज हैं, उनकी वजह से ज़मीन में उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ने की वजह से हमारी ज़मीन में जो है उसका दर्जा हरारत ज़मीन का वो दिन ब दिन या ईयर बाई ईयर वो बढ़ता जा रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्री रूट्स टेंड टू अटैच टू द साइल बेड रॉक स्ट्रेंथनिंग द साइल। कहते हैं कि दरख्त की जड़ें ज़मीन के तह से जुड़ जुड़कर मिट्टी को मजबूत बनाती है। ये जो ट्री रूट्स है, ये दरख्त के जो जड़ें हैं, ये जो है ना, ये ज़मीन को भी, जो नीचे जो सॉइल हमारी मिट्टी होती है उसको भी अपने साथ तो पकड़ के रखती है और फिर वो इरोजन वगैरह नहीं होने देती, जो कटाव जिसको हम बोलते हैं ज़मीनी कटाव, वो नहीं होने देती, ठीक है। एडिशनली द प्लांट लेटर प्रोड्यूस बाई ट्रीज प्रोटेक्ट द सॉइल सरफेस। कहते हैं कि मजीद एडिशनली इसके अलावा दरख्तों के पैदा करदा जो कूड़ा करकट है, जो ऊपर से जो दरख्तों से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं उसका जो कूड़ा करकट, वो मिट्टी की सतह की हिफाजत करती है। जब मिट्टी की सतह पर वो कूड़ा करकट आ जाए, वो पत्ते वगैरह खुश पत्ते वो गिर जाए, तो फिर उसको वो नहीं साइल का वो फिर उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। लेटर जो है कूड़ा करकट को बोलते हैं, LIWTER लेटर, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्ट का मतलब है हिफाजत करना, ठीक है। अच्छा, वेन ट्रीज आर रिमूव्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जब दरख्तों को हटाया जाता है जंगलायत की कटाई की वजह से, तो क्या होता है? द साइल बिकम प्रोन टू इरोजन, तो मिट्टी कटाव का शिकार हो जाती है। प्रोन टू इरोजन जो कटाव के लिए फिर वो मतलब आसान हो जाती है कटाव, वहां से कटाव होना। कटाव क्या है? जब पानी या जो सैलाब वगैरह जो है वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है अपने साथ, तो उसको हम कटाव बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोजन, ठीक है। अच्छा, हाँ, आगे है। लैंडस्लाइड्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद स्लोप टेरेन डिफॉरेस्टेशन विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द सॉइल एडहेशन कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रीज। कहते हैं कि लैंडस्लाइड का मतलब है जो चट्टानों का कटाव होता है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज पर जब वो लैंडस्लाइड होते, ऊपर से जब नीचे पर वो जो रॉक्स होते हैं या जो डेब्रिस होता है, जो मिट्टी होती है वो जब गिरती है, ठीक है। वो अक्सर डलवान खित्तों के जंगलात की कटाई से मुंसलिक होती है। जब डलवानी खित्तों में जब जंगलात की कटाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है? फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजाहत दरख्तों की अदम मौजूदगी की वजह से मिट्टी चिपकने से की जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एडहेशन का मतलब है सॉइल एडहेशन का है मिट्टी का चिपकना, ठीक है। अच्छा, नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स एम्पलीफाई द एक्सटेंट ऑफ इरोजन। नोट दैट द प्लांट लेटर फाउंड ऑन फॉरेस्ट सर्फेसिस हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉइल वॉश्ड अवे। कहते हैं कि जो कुदरती आफात हैं, सैलाब जैसे कुदरती आफात कटाव की हद को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो सैलाब होते हैं वो कटाव को बढ़ाते हैं। नोट करें कि जंगल की सतहों पर पाए जाने वाले जो कूड़ा करकट होते हैं वो मिट्टी के बहाव के मकदार को कम करने में मदद करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया, जब मिट्टी पर ऊपर से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो फिर उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं ज़मीन को, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब है हद, इरोजन का मतलब है कटाव, ठीक है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन पर जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो जब ऊपर पत्ते नहीं होते, जब दरख्त नहीं होते, तो फिर नीचे ज़मीन का जो वो मिट्टी होती है, फिर वो
वो आसानी से उसका कटाव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट आर होम टू ए डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीशीज़। कहते हैं जंगलात जानदारों के नस्ल का घर होते हैं, इसमें जो है ना स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानदार जानवर और परिंदे वगैरह इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर थॉट टू हैव द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि मंतिकाहारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या गर्म इलाके, जो हमारा जो खत इस्तवा है उसके आसपास जो इलाके होते हैं, उसके ऊपर और नीचे जो इलाके होते हैं उसको हम मंतिकाहारा, जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे मतलब ना ज़्यादा गर्मी भी होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है, दोनों ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके जो बारानी जंगलात है वो दुनिया के सबसे मतनू या सबसे जो है ना डाइवर्स, जिसमें मतलब स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, माहौलियाती निज़ाम है उनको समझा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगलात हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर परिंदे और ये पौधे वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज़ ए सिग्निफिकेंट डेंजर टू दिस बायोडाइवर्सिटी। जंगलात की कटाई खासतौर पर इस हयातियाती तनों के लिए खतरा है, ठीक है, इस डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है ट्रॉपिकल रीजन में जंगलात की कटाई की वजह से। लोकली फॉरेस्ट एरिया रिमूवल माइट लीड टू ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सर्टन स्पीशीज़। कहते हैं कि मकामी तौर पर जंगलात की कटाई से कुछ खास नस्लों की तादाद में कमी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हावेवर ऑन ए ग्लोबल बेसिस, ताहम आलमी सतह पर डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू द एक्सटेंक्शन ऑफ सम डिज़ायरेबल स्पीशीज़। कहते हैं कि आलमी सतह पर जंगलात की कटाई कुछ मतलूबा जो स्पीशीज़ है, अनवा है, उनका ख़त्म होने का बायस बन सकती है। एक्सटेंक्शन का मतलब है वो स्पीशीज़ जो पहले अल्लाह ताला ने पैदा किए थे, ज़मीन पर मौजूद थे, लेकिन कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से वो स्पीशीज़ जो है वो इस ज़मीन से वो ख़त्म हो गए हैं, तो उनको हम एक्सटेंक्ट एनिमल या एक्सटेंक्ट स्पीशीज़ हम बोलते हैं। एक एंडेंजर्ड एनिमल या एंडेंजर्ड स्पीशी होता है वो किस्म का स्पीशी होता है एंडेंजर्ड, जो ख़त्म होने के करीब होता है, जो एंडेंजर मतलब जो ख़तरे में होता है उनका स्पीशी ख़त्म होना, ठीक है ना। इस तरह पाकिस्तान में ये वाइट लिपर्ड्स है, इस तरह की मतलब दूसरे स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो एक एक्सटेंट है जो ख़त्म हो, इस तरह डायनोसार है, तो डायनोसार जो है ये एक्सटेंट एनिमल है, इसका जो स्पीशीज़ अब इस दुनिया पे नहीं है, ठीक है। तो ये इनके ख़त्म होने का बायस बन सकती है, ठीक है। एवरी ईयर अराउंड, अच्छा, एवरी ईयर अराउंड 50,000 स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड सिक्स आर लॉस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं कि हर साल जंगलात की कटाई की वजह से तकरीबन 50,000 जो स्पीशीज़ हैं वो बशमूल पौधे, जानवर, हशरात, वो ख़त्म या मादूम हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्टडीज अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन साउथ ईस्ट एशिया विल बिकम एक्सटेंक्ट थ्रू आउट द 21st सेंचुरी। मुतालिया के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक, जनूबी मशरकी एशिया के तमाम पौधों और जानवरों की जो 40% नस्लें हैं वो 21वीं सदी में वो एक्सटेंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो ज़मीन से उनकी स्पीशी ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह डायनोसार था एक ज़माने में, ठीक है। अच्छा, द कंसिक्वेंसेज ऑफ लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी लॉस आर डिफिकल्ट टू फोरसी बट दे आर क्वाइट लाइकली। कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हयातयाती तनू के नुकसान के नतज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, फोरसी का मतलब है अंदाज़ा लगाना, लेकिन इसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। फोरसी का मतलब है पेश बीनी नहीं करना, पहले से जो है ना हालात की नज़ाकत को देख कर किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बहुत इम्कान इसका बहुत ज़्यादा है, क्वाइट लाइकली बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द अर्थ सरफेस आर अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टर्स। हेक्टर जो है ये इकाई है एरिया की, और इसमें क्या होता है कि इसमें 10,000
मीटर है इस तरह का कुछ है, हेक्टर बराबर है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया का, 10,000 मीटर स्क्वायर एक हेक्टर होता है। तो कहते हैं कि जंगलात जमीन की सतह का 31% या तकरीबन 4.06 बिलियन हेक्टर पर मुहित है। तो फिर आप 4.6 बिलियन को आप अगर ज़रब देंगे 10,000 से, तो इतना ये मीटर स्क्वायर बनता है, ठीक है। ओनली 18% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। कहते हैं कि सिर्फ 18% जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रक्शन की तबाही के, मतलब उससे महफूज है तबाही से। सेंस 1990 कहते हैं कि 1990 से लेकर अराउंड 420 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन गॉन, तकरीबन 420 मिलियन हेक्टर जंगलात वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एवरी ईयर बिटवीन 1990 एंड 2010 एवरेज ऑफ 15.5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट वर लास्ट। कहते हैं कि 1990 से 2010 तक औसतन हर साल औसतन जो है 15.5 मिलियन हेक्टर जंगलात वो ख़त्म हो चुके हैं। आप सोचें 15.5 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, बिटवीन 2010 एंड 2015 फिर 2010 से 2015 तक 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट वर लास्ट ईच ईयर, फिर 2010 से 2015 तक हर साल 12 मिलियन हेक्टर ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, रिप्रेजेंटिंग ए 22.58% डिक्रीज फ्राम 1990 to 2010, जो 1990 से 2010 के दरमियान 22.58% की कमी की नुमाइंदगी करता है, जो इतना परसेंट बनता है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन 2015 एंड 2020 फिर 2015 से 2020 तक 10 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट वर बर्न्ड ईच ईयर, फिर 2015 से 2020 तक हर साल 10 मिलियन हेक्टर जो जंगलात है वो जल चुके हैं, उनको जला दिया गया है, रिप्रेजेंटिंग ए 35.48% डिक्लाइन फ्राम 1990 to 2010 एंड 16.67% डिक्लाइन फ्राम 2010 to 2015। 2015 से 2020 के दरमियान हर साल 10 मिलियन हेक्टर जंगलात को जलाया जा चुका है, जो 1990 से 2010 तक 35.48% और 2010 से 2015 तक 16.67% की कमी की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। अच्छा, एवरी मिनट 2,400 ट्रीज आर फेल्ड, हर मिनट दुनिया में हर मिनट में 2,400 दरख्त काटे जाते हैं या गिरते हैं। फेल्ड का मतलब है दरख्तों का गिर, फेल्ड का मतलब है गिराना या कट डाउन ट्रीज, दरख्तों को गिराना। अनदर 3 hectares ऑफ फॉरेस्ट विल हैव बीन क्लियर्ड बाई द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस फ्रेज। कहते हैं जब तक आप ये जुमला ख़त्म करोगे तब तक मज़ीद 3 hectares जंगल वो साफ हो चुके होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हर मिनट में 2,400 दरख्त वो काटे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन पाकिस्तान अटेंड इंडिपेंडेंस, अटेंड का मतलब है आज़ादी हासिल करना, इंडिपेंडेंस आज़ादी, इन द लेट 1940s जब 1940 या 1940 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, तो वुड्स कवर्ड 33% ऑफ द कंट्री, तो मुल्क का 33% हिस्सा जंगलात पर फैला हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब जंगलात कितने थे, 33% थे। हावेवर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज डेटा फ्राम 2015 बेरली 5% ऑफ द कंट्री नाउ हैज ट्री कवर। ताहम मौसमियाती तब्दीलियों के वजारत के अदाद शुमार के मुताबिक 2015 से मुल्क का बमुश्किल 5% हिस्सा जंगलात पर मुहित है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान का जो 33% रकबा था उस पर जंगलात थे, आज जो है 2015 तक वो 33% से कम होकर बमुश्किल से पाकिस्तान में जो है ना वो 5% या 5% जो है वो जंगलात हैं, ठीक है। तो इतनी कमी आई है हमारे जंगलात में, ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी आबादी का इजाफा है, ठीक है। जब आबादी ज़्यादा होती है तो ज़रूरियात जो है ना वो बढ़ते हैं, फिर आप जो है ना जंगलात की कटाई भी करेंगे, आपको लकड़ी भी चाहिए होगी, फिर आपको जो है ना
एग्रीकल्चर के लिए, फिर जमीन भी चाहिए होगी तो उसके लिए फिर आप सफाई करेंगे जंगलात का, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सम नॉन गवर्नमेंटल असेसमेंट्स प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज एक्चुअली लोअर एट 3%। कहते हैं कि कुछ गैर सरकारी जायजों के मुताबिक, जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो जायजे के मुताबिक, असेसमेंट जायजे को बोलते हैं, मौजूदा जंगलात का अहाता असल में 3% से कम है। जो हुकूमत ने जो उन्होंने जो असेसमेंट किया है वो कहते हैं कि 5% से कम है, लेकिन गैर सरकारी जायजे के मुताबिक ये जो है ना एक्चुअल में 3% से भी कम है जंगलात पाकिस्तान में, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन। कई सालों की जंगलात की कटाई के बाद पाकिस्तान की हुकूमत बड़े पैमाने पर शजरकारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। एफॉरेस्टेशन जिस तरह पहले मैं आपको बताया, ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है शजरकारी या जंगल लगाना, पौधे लगाना उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, सिंस जून 2015 द बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट हैज बीन स्ट्राइविंग टू सेव पाकिस्तान्स फॉरेस्ट एंड टू वेज। कहते हैं कि 2015 से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा पाकिस्तान के जंगलात को दो तरीकों से बचाने की कोशिश कर रहा है। जो बिलियन ट्री सुनामी एक अरब पौधे लगाने का जो प्रोजेक्ट था जिसको नाम दिया गया था बिलियन ट्री सुनामी, मेरे ख्याल से गालिबन PTI की जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो ये इनिशिएटिव लिया गया था। बिलियन ट्री सुनामी सॉरी KP में जो है ना, वो प्रोफेसर टक जब उनकी हुकूमत आई थी 2015 में, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो इनका जो काम था, उन्होंने उनका जो मकसद था वो दो तरीके थे, दो तरीकों से उनका मकसद दो चीज़ों पे काम कर रहे थे। एक टू प्रिवेंट फ्यूचर डिफॉरेस्टेशन, मुस्तकबल में जंगलात की कटाई को रोकना, एक ये उनका मिशन था। एंड टू रिपेयर पास्ट हार्म बाई प्लांटिंग सेपलिंग, और दूसरा पौधे लगाकर माजी के नुकसान का अजाला करना। प्लांटिंग सेपलिंग जो छोटे पौधे होते हैं उनको कहते हैं, जो हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 250 million saplings have been planted in KP in the last year, greatly exceeding the average annual count of 20 million। कहते हैं कि पिछले साल के दौरान KP में 250, खैबर पख्तूनख्वा में, KP का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है, उसमें 250 million पौधे लगाए गए, जो 3 million सालाना 20 मिलियन की औसत सालाना शुमार से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन था डिफॉरेस्टेशन के हवाले से। आगे जाते हैं एक्सरसाइज में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद से कर लेंगे, आसान है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ओनली 18% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बी एवरी मिनट 2400 ट्रीज आर फेल्ड। See, every year around 50,000 species including plants, animals and insects are lost due to deforestation. D. Forest act as carbon sink by absorbing atmospheric carbon dioxide during photosynthesis. E. Forests cover 31% of the earth's surface are around 4.06 billion hectares. F. Between 2010 and 2015, 12 million hectares of forest were lost each year, representing 22.58% decrease from 1990 to 2010। अच्छा, यूज ऑफ लैंग्वेज में है रीड द काज एंड राइट एन इफेक्ट, काज वजह इफेक्ट उसका जो असर होता है, ठीक है। देन राइट वन फुल सेंटेंस दैट स्टेट्स द काज एंड इफेक्ट, फिर आप जो है ना वो फुल सेंटेंस में काज एंड इफेक्ट दोनों लिख दें। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ठीक है। नंबर वन में है काज क्या है, पीपल आर कटिंग ट्रीज, ये काज है। इसका इफेक्ट क्या है, देयर विल बी फ्लड एवरीवेयर। अब इसका एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस दोनों का कैसे बनाएगा काज एंड इफेक्ट का, देयर वर फ्लड एवरीवेयर ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। इस तरह जो सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, बी में है पीपल आर डंपिंग ट्रैश एवरीवेयर, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, दियर इज लैंड पोल्यूशन होंगी, ठीक है। अब कैसे लेंगे इसको, दियर इज लैंड पोल्यूशन ड्यू टू डंपिंग ऑफ ट्रैश बाय पीपल एवरीवेयर, ठीक है। सी में है काज टॉक्सिक वेस्ट वाज डंप्ड इन सी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हार्मफुल केमिकल्स कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज, जब हम टॉक्सिक
वेस्ट मटेरियल पानी में, समंदरों में, दरियाओं में जाएंगे, नदियों में जाएंगे, तो इफेक्ट क्या होगा कि हार्मफुल जो नुकसानदेह केमिकल है वो गंदा करेंगे वाटर सोर्सेस को। ठीक है, तो सेंटेंस इसका बनेगा दोनों का, हार्मफुल केमिकल्स कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज ड्यू टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन सीज आर रिवर्स आर स्ट्रीम्स। ठीक है, जो भी है। अच्छा, डी में है मोर पीपल आर यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, ज़्यादातर लोग पॉलीथीन बैग, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स काजिंग फ्लड एंड डैमेज। ठीक है, ये बैग जो हैं वो ड्रेन को, जो नालियाँ वगैरह होती है उनको जो है ना वो ब्लॉक करती है, जो वो फिर फ्लड्स वगैरह का सबब बनती है और तबाही लाती है। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको एक जुमले में, मोर पीपल आर यूजिंग पॉलीथीन बैग्स ड्यू टू विच बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स काजिंग फ्लड्स एंड डैमेज। ठीक है, अच्छा, ई में लास्ट वाला जो है, मैनी कार्स आर रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज़्यादा जो बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं वो मोनोऑक्साइड और रिलीज करती हैं, खारिज करती हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। तो रिस्पायरेटरी जो हमारे जो निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियाँ हैं, सांस लेने की बीमारियाँ हैं, तो फिर ज़्यादा हो रही हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैनी कार्स आर रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये काज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन हमारा। तो इसके साथ हमारा ये यूनिट नंबर 3 जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक।